हेलो गाइस, मेरा नाम भविष्य कुमार है और हम जो है एक ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अपने प्रोजेक्ट को सेट किया था और आज हम जो है लॉगिन पे काम करेंगे। हम आज के दिन लॉगिन बनाएंगे इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप पहले ज़ैम्प ऑन कर लीजिए। ज़ैम्प ऑन करने के बाद आप ये स्टार्ट कर लीजिए इन्हें। स्टार्ट करने के बाद आप गूगल क्रोम पे आइए। गूगल क्रोम पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माय एडमिन। तो हमारे यहाँ पे ये एक लोकल होस्ट में हमारा डाटाबेस खुल गया है। तो यहीं पे हम जो है हमारा जो भी डाटा होगा वो हमारा यहीं पे ही स्टोर होगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पे एक व्यू क्लिक क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने एक डाटाबेस बनाता हूँ। डाटाबेस बनाने के बाद हम जो है टेबल्स बनाएंगे। तो डाटाबेस का नाम रख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे ई कॉमर्स ही रख लेते हैं। यानी ई कॉमर्स का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इसका डाटाबेस का नाम ई कॉमर्स रख लेते हैं। ये हमारा ई कॉमर्स के नाम से डाटाबेस क्रिएट हो गया है। अब इस डाटाबेस का के अंदर हम जो है टेबल बनाएंगे। जो टेबल होगा वो हमारा होगा एडमिन पैनल। एडमिन के नाम से हम जो है इसमें टेबल का नाम हम देंगे। इसके अंदर हम चार कॉलम्स बना रहे हैं। तो ये हमारा डाटाबेस ओपन, ये सॉरी टेबल हमारी ओपन हो गई। यहाँ पे हम अपनी टेबल के नेम्स बनाएंगे और जैसा कि यहाँ पे एडमिन आप आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे एडमिन का जो है यहाँ पे एडमिन या फिर आप यूज़र नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप दे सकते हैं पासवर्ड। अभी हम जो है ये तीन ही नाम यहाँ पे अभी क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारा यूज़र आईडी है उसे हम जो है प्राइमरी रखेंगे और यूज़र नेम है उसे हम जो है वेर कैन में रखेंगे। जो एडमिन आईडी है उसे हम इंट, हमारा टाइप जो है इंट रखेंगे और यूज़र नेम को हमारा जो टाइप है वेर कैन रखेंगे और पासवर्ड को भी हम जो है वेर कैन में ही रखेंगे। और हमारा एडमिन आईडी है उसे हम जो है कर देते हैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी अपने आप आ गया ये। तो इसे हम जो है सेव कर देते हैं। सॉरी, इसकी हम लेंथ दे देते हैं वेर कैर की। जैसे यूज़र नेम की हम लेंथ दे देते हैं 255 और पासवर्ड की 255। मैक्सिमम लेंथ ही 255 तक होती है तो हम 255 255 दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारे डाटाबेस के अंदर जो है टेबल है एडमिन के नाम से और इसके अंदर हमारी तीन जो है जो कॉलम, यानी कि तीन कॉलम्स हमारे बन गए हैं। अब इसमें हम जो है इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट आप इसके अंदर जो है डाटा बाया क्रिएट अकाउंट से भी डाल सकते हैं। और लेकिन हम अभी जो है एक एडमिन पैनल बना रहे हैं तो एडमिन पैनल के अंदर आप जो है वन टाइम डाटा डाल सकते हैं और कस्टमर पैनल के अंदर आप जो है मल्टीपल डाटा डाल सकते हैं।
तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे यूज़र नेम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया 10 times 9। और आप पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें आप दे दीजिए। और आप जो है इसे गो कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो है एडमिन का ये तैयार हो गया है। इसमें आपकी एडमिन आईडी हो गई, यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड हो गया। और अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट पे चलेंगे। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट क्लिक किया, हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। और यहाँ पे हम लॉगिन पे login.php क्लिक करेंगे, तो हमारा लॉगिन अकाउंट ओपन हो गया है। अब हम अपने अपटाना स्टूडियो को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसी के ही अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। अब जो हमने इतनी ये हमारी इतने सारे टैब्स हमारे खुले हुए हैं, हम इनको क्लोज कर देते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी हम जो है एडमिन पे काम करेंगे। इसको भी मैं चेकआउट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, और प्रोडक्ट डिटेल हमारा अब लॉगिन जो है हमारे पास आ गया है। अब हमें यहाँ पे जैसे अभी हमें लॉगिन की रिक्वायरमेंट है और हमें अभी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर, तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं इस पॉइंट को मैं हटा दूंगा, तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था डिव के बारे में, डिव होता है और डिव के अंदर ये हमारा डिव है। डिव मतलब कि हमने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया, जिसके अंदर हमने एक कंटेनर बना दिया। कंटेनर का काम क्या होता है कि आपका एक साइड में जो आपका मार्जिन है थोड़ा सा यहाँ पे रह जाता है, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में आपका जो है मार्जिन थोड़ा सा गैप मिल जाता है कंटेनर से। और रो का मतलब है, रो और कॉलम्स का मतलब होता है, ये एक्चुअली यहाँ तक होता है, और ये जो है थीम का कॉलम है। तो टोटल जो है कॉलम्स हम बना सकते हैं वो होंगे आपके 12 तक, यानी कि आप टोटल 12 तक बना सकते हैं। तो इसने 12 तक बना रखे हैं, आप देखिए रो के अंदर जब आप देखोगे 6 का ये है और नेक्स्ट कॉलम भी 6 का है, तो मतलब टोटल 12 का यूज़ इन्होंने कर लिया है। और आप अपने इन कॉलम्स को कितने में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 का कॉलम बना सकते हो, 4 का कॉलम बना सकते हो, 5 का, टोटल आपको जो है 12 तक का ही नंबरिंग यूज़ कर सकते हो एक कॉलम के अंदर। तो अब हम जो है यहाँ से यहाँ तक हम अपने कॉलम्स को रख लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम नहीं हटाएंगे, हम हटाएंगे या यहाँ से लेकर के जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसके बाद बाद का सब हटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने हटा दिया है। और आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्टर हट गया है। अब हमारे पास जो है यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और जैसे मैं इसके अंदर चेंजेस
कर देता हूँ, यूज़र नेम रख देता हूँ और पासवर्ड रख देता हूँ। तो हमने ये रख दिया है यूज़र नेम पासवर्ड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हम इसके अंदर अपनी PHP की कोडिंग करेंगे। PHP की कोडिंग करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि हम कोडिनाइटर में कोडिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक न्यू पेज ओपन कर देता हूँ। हम जो है न्यू पेज ओपन किया है, जो कि हम क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेटर में जब भी आप वर्क करते हो तो आप कैसे कर सकते हो। पहले क्या होता है, पहले व्यू होता है, व्यू के बाद हमारा कंट्रोलर होता है, और कंट्रोलर के बाद हमारा मॉडल होता है। ये तीन चीज हम कोऑर्डिनेटर में यूज करते हैं। अगर आप सिंपल PHP का प्रोजेक्ट जानते हैं तो आप उसी में ही आप अपना कंट्रोलर सेम पेज में आप जो अपना कंट्रोलर बना लेते हैं और सेम पेज में आप अपना डाटाबेस। तो यहाँ पे हम तीनों को अलग अलग रखते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा डाटा सिक्योर रहे और हमारा बैकएंड किसी को ना पता चले कि एक्चुअली में हमारा डाटा कहाँ पड़ा है, कहाँ रखा हुआ है। तो व्यू के अंदर जब हम यहाँ पे हमारा क्या रखा जाता है, पूरा फ्रंट एंड यानी कि HTML हमारी यहाँ पे रखी जाती है। HTML और जावास्क्रिप्ट भी आप यहीं पे ही रखते हैं, ठीक है। ये व्यू के अंदर रखते हैं और कंट्रोलर के अंदर आप रखेंगे, कंट्रोलर के अंदर आप रखेंगे एक्शंस। एक्शंस एक्शंस कह सकते हैं या फिर हम क्लासेस कह देते हैं। यहाँ पे हम क्लासेस या एक्शन जो भी है, एक्शन परफॉर्म होंगे वो सारे कंट्रोलर के अंदर होंगे। और उस एक्शन का डाटा वो हम यहाँ पे रखेंगे। डाटा यहाँ पे हम डाटा या फिर डाटाबेस, डाटाबेस यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये तीन चीज़ें होती है जिसे MVC भी बोलते हैं। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं इस वे से कोडिंग करूँगा, मैं पहले व्यू के अंदर वर्क करूँगा। जैसे ये हमारा था व्यू, ये एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्लिक किया, ये है मेरा व्यू और ये है मेरा कंट्रोलर और ये है मेरा मॉडल। तो पहले हम व्यू पे अपने, जैसे हमने अभी लॉगिन का पेज को सेट कर दिया है, और अब मैं अपना काम कंट्रोलर में करूँगा। आफ्टर कंट्रोलर के बाद मैं अपना काम जो है मॉडल में करूँगा। तो जैसे कि मैंने अपने लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे मेरा नेम आ गया। मुझे जब भी मुझे डाटा को पास करना है या डाटा को इंसर्ट करना है या डाटा को रिट्रीव करना है, तो हमें किसी फॉर्म के थ्रू, तो हमें उसका नेम देना होगा और उसका टाइप देना होगा। और वैल्यू हम दे सकते हैं, और वैल्यू हम तब देते हैं जब हमारे फील्ड में कोई डाटा हम फैच कर रहे हैं, तब हम वैल्यू के अंदर डाटा रख सकते हैं और हम जो है अपने नेम में दे सकते हैं। तो अभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता है तो हम यहाँ पे नेम के साथ में पासवर्ड लिखते हैं और नेम के पास यूज़र नेम लिखते हैं, यूज़र नेम।
तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोलर पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेरे पास यूज़र डॉट पी एच पी है। यहाँ पे मैं एक पी एच पी का ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, जिसे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। अब लॉगिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक लॉगिन का पेज आ गया है। अब इस लॉगिन के पेज में ही हम जो है अपना पूरा जो है प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी। तो क्लास के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है क्लास के लिए लिखेंगे। हमें अपनी क्लास बनाने से पहले यहाँ पे जो है पीएचपी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पीएचपी का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे क्लास लॉगिन एक्सटेंड माई कंट्रोलर। माई कंट्रोलर आपको जो है यहाँ पे कोर के अंदर आपको मिल जाएगा, माई कंट्रोलर। माई कंट्रोलर ठीक है। अब सारा जो प्रोजेक्ट है हमारी इसी क्लास के अंदर जो है बनेगा, और हमने ये क्लास जो है डिफाइन कर ली है। अब इसके अंदर हम जो है अपना एक इंडेक्स पेज बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करेगा, इस इंडेक्स के अंदर हम जो है अपने पेज को पहले व्यू करवाएंगे। पेज को हम यहाँ पे व्यू करवा देते हैं। दिस लॉग व्यू, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा HTML पेज है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मेरा व्यू के अंदर जो पब्लिक के अंदर पेज है लॉगिन, तो मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैं पब्लिक अपना पब्लिक का नेम दूंगा व्यू के अंदर पब्लिक, और स्लैश इसके सॉरी मैं डबल यहाँ पे पब्लिक स्लैश लॉगिन। जब मैं यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे अपना व्यू दे दिया है, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या मेरा लॉगिन लिखने पे पब्लिक लॉगिन आता है। सिर्फ लोकल होस्ट पे आप लॉगिन, अब ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर लोकल होस्ट लॉगिन लिखा तो यहाँ पे मेरा पेज विजिबल हो रहा है। मैंने यहाँ पे पीएचपी का यूज़ नहीं किया है, तो इसका मतलब है अब मेरा जो ये पेज ओपन हुआ है ये कंट्रोलर से ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारा पब्लिक लॉगिन हो गया है, और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एक लॉगिन बनाने के लिए साइन इन करना होगा, पब्लिक फंक्शन साइन इन ये हम बनाएंगे। ये अब हम यहाँ पे साइन इन बनाएंगे। साइन इन से क्या होगा कि हमारा डाटा जो है यहीं से जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम जो है यहाँ पे डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो मेरे पास जो है डाटा इसका है, और मैं आपको इस पे कॉपी करके और आपको मैं
बस दिखाता हूँ और मैं अपने डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैंने डाटा कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ से मैं आपको मतलब मैं आपको कोडिंग के अंदर मैं आपको कोडिंग के अंदर जो है कॉपी पेस्ट के थ्रू डाटा यहाँ पे कई जगहों पे मैं डाटा लेके आऊँगा और मैं आपको उस डाटा के बारे में भी बताऊँगा कि एक्चुअली में डाटा कैसे यहाँ पे आया है और कैसे हमने इसका यूज़ किया है। तो जैसे कि आपने ये हमारी लाइब्रेरी होती है फॉर्म वैलिडेशन की, और यहाँ पे हमने जब यहाँ पे हमारा फॉर्म वैलिडेशन हो जाता है तो हम यहाँ पे जो है दिस डॉलर दिस और जो है वैलिडेशन और फिर हम जो है रन रन के बाद साइन इन। अब ये हमारा जो साइन इन है ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन जो है हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि आपकी जो हम यहाँ पे कन्फिग पे क्लिक करेंगे आपका, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन बना रखा है। तो जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो साइन इन है वो हमारा यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे रन टाइम पे आ जाएगा। मतलब यहीं से हमारा जो है डाटा पूरा का पूरा डाटा फॉर्म वैलिडेशन से आएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे यूज़र लिया है, फील्ड लिया है, लेबर और रूल्स लिए हैं। यूज़र क्या करता है, यूज़र हमारे जो है नेम का नाम है और लेबल है कि अगर हम जो है बिना अगर हम को डाटा में कोई एंट्री नहीं करते और उसके बाद हम जो है अपने फ़ोन नंबर को क्लिक करते हैं, मतलब हम डाटा में एंट्री नहीं करते और हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर तो वो बता देगा कि आपका जो है फ़ोन नंबर फील्ड अभी एम्प्टी है, मतलब आपने कुछ भी इसमें एंटर नहीं किया है। और रूल्स के अंदर हम जो है यहाँ पे हम रूल्स डालते हैं जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ट्रिम हो गया, ट्रिम का मतलब कोई स्पेस ना रहे, स्पेस को कैलकुलेट ना करे, ठीक है। और रिक्वायर्ड हो गया मतलब ये फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, आपको देना ही पड़ेगा। और नंबरिक हो गया कि इसके अंदर ओनली नंबर्स जो है आप डाल सकते हो, और लेंथ हो गया कि आप जो है इसके अंदर मिनिमम कितनी लेंथ देना है कैरेक्टर को, जैसे कि मैंने इसमें टोटल 10 लेंथ दे रखी है। वैसे ही मैंने जो फील्ड बनाया है उसके अंदर मैंने पासवर्ड का फील्ड बनाया है और इसके अंदर पासवर्ड जो है मेरा नेम में पासवर्ड है, ये रहा यहाँ पे मेरा नेम में पासवर्ड है, वैसे ही मेरा नेम में यूज़र नेम है तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। लेबल के अंदर मैंने जो उसको वार्निंग आएगा तो आएगा पासवर्ड नॉट यू मतलब योर पासवर्ड इज़ एम्प्टी। तो और यहाँ पे रूल्स दे रिक्वायर्ड कि आपका ये रिक्वायर्ड है, आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे साइन इन में फैच कर लिया और अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज़र नेम को एक वेरिएबल में डाल दिया है जैसे कि दिस डॉलर दिस इनपुट और पोस्ट यूज़र नेम, इसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया है। कोई भी डाटा को फैच करना होता है मतलब हमें फॉर्म से लेके आना होता है तो हम उसमें जो है दिस इनपुट पोस्ट का यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटर में। तो हमें जो भी डाटा अगर लेके आना, जैसे यूज़र है यहाँ पे मेरा यूज़र था उसे नेम के अंदर है तो मैं उसे लेके आने के लिए मैं ऑलवेज जो है दिस इनपुट पोस्ट का यूज़ करूँगा, तो डॉलर दिस इनपुट पोस्ट। तो इसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया है, एक यूज़र नेम के नाम से वेरिएबल मैंने लिया था। सेम टू सेम मैंने पासवर्ड के अंदर भी मैंने यही किया है, एक वेरिएबल में इसको मैंने डाल दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक मैंने मॉडल बनाया था, मॉडल मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कि हम कंट्रोलर के बाद हम जो है मॉडल पे काम करेंगे, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक मॉडल लिया है
दिस लोड मॉडल, और इस मॉडल के अंदर मैंने लॉगिन मॉडल का नाम दे दिया है। जैसे कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे मॉडल में बनाएंगे आपको न्यू फॉर्म पीएचपी, यहाँ पे आपको लिखना होगा लॉगिन, लॉगिन मॉडल। आप इसे फिनिश कर दीजिए और आपका लॉगिन मॉडल यहाँ पे आ गया है। और जब आप लॉगिन में जाओगे तो आपका यहाँ से लॉगिन मॉडल वो कैच कर रहा है कि आपका जो मॉडल है वो लॉगिन मॉडल है और आपका डाटा जो है वो लॉगिन मॉडल से आएगा। और अब हमने क्या किया, हमने दिस लोडिंग मॉडल मतलब ये जो है लॉगिन मॉडल पे जाएगा, लॉगिन मॉडल पे ये इसको जो है चेक करेगा और इसमें जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जो ये वेरिएबल्स हैं हमने यहाँ के वेरिएबल्स दिए हैं, वो जो है मॉडल में जाके, लॉगिन मॉडल में जाके चेक करेगा और वहाँ से डाटा लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन मॉडल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लॉगिन मॉडल स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे भी क्लास बनाएंगे, क्लास सॉरी पहले क्लास, यहाँ पे लॉगिन मॉडल, लॉगिन मॉडल एक्सटेंड, एक्सटेंड ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे क्लास मॉडल एक्सटेंड सी आई मॉडल, सी आई मॉडल, ठीक है जी। और हम इसे ओपन कर लेंगे। अब मॉडल के अंदर हमें अपने डाटा को, डाटाबेस में से जो डाटा आ रहा है वो हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और जो हमने लॉगिन के अंदर ये लॉगिन वैलिड बनाया था इसे कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद डबल सेमी कोलन के अंदर हम यहाँ पे जो है डाटाबेस के अंदर से फैच क्वेरीज लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हमारा यूज़र नेम है और यूज़र जो है और हमारा पासवर्ड है और हमारी एडमिन आईडी है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है क्यू दिस डी बी वेयर एडमिन और यूज़र, मतलब हम सेलेक्ट कर रहे हैं दिस डी बी मतलब डाटाबेस में वेयर, ये सेलेक्ट की क्वेरीज है, ये हमारे जो है कोऑर्डिनेटर में आपको सेलेक्ट की क्वेरीज हमें ऐसे ही लगाते हैं सेलेक्ट स्टार। तो हम जो है मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। आप ये सेलेक्ट किया है मैंने और डी बी वेयर, मैंने डायरेक्ट वेयर लगाया है और वेयर इन दी सेंस कि उसने सेलेक्ट कर लिया है डाटा सेलेक्ट। जैसे हम अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, सेलेक्ट ये ऐसे लिखा जाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पे गेट और फ्रॉम एक ही काम करते हैं, या फिर आप फ्रॉम लिख लीजिए
या आप गेट लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे गेट में डाल दिया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, एडमिन, वेयर एडमिन यूजर, या फिर मैं आपको अभी फ्रॉम भी कर लू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम एडमिन, सिंगल कोट्स में एडमिन, और यहाँ पे जो मैंने एडमिन लगाया है इसे मैं हटा दूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एडमिन डॉट यूजर नेम, और यूजर नेम आ गया, मतलब ये पैरामीटर हमने यहाँ से ले लिया। पासवर्ड वेयर पासवर्ड, जहाँ पे पासवर्ड हो तो हम यहाँ पे पासवर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हमारा यूज़र नेम पासवर्ड आ गया है, और इसे गेट कर ले। और इसका मतलब होता है इफ़ अगर हमारी नम रोस है, नम रोस के अंदर हमारा अगर डाटा मिल जाता है एडमिन आईडीज को जो है फैच करवा ले, जो भी एडमिन आईडी है रो के अंदर वो हमें मिल जाए, नहीं तो एल्स रिटर्न फॉल्स करवा देगा। तो अब हम यहाँ पे हमारे इस जो है सेव कर लेते हैं इसको, जैसे ये था इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा डाटा सेव हो गया है, और अब ये देखिए आप मेरा लॉगिन में, मेरा अब यहाँ पे लॉगिन का डाटा, अब मेरा यहाँ से ये डाटा अब मेरा लॉगिन के पास जाएगा। अब लॉगिन के पास ये डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद, इसके बाद हमने एक इसे वेरिएबल में इस डाटा को स्टोर कर लिया है, हमने लगा दिया है इफ़ लॉगिन आईडी, अगर लॉगिन आईडी है मतलब लॉगिन आईडी के अंदर डाटा है तो न्यू डाटा पे चला जाएगा। और यहाँ पे एरे हमने एक एरे बना लिया है, एरे के अंदर हमने ये एक सेशन बना दिया है यूज़र आईडी, एक सेशन बना दिया हमने, एक तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम और लॉगिन। तो हमने यहाँ पर जो है लॉगिन आईडी क्रिएट किया था, जो लॉगिन आईडी है वो हमारा यूज़र आईडी के अंदर चला जाएगा, मतलब जो भी सेशन हमारा बनेगा वो लॉगिन आईडी से बनेगा, और यूज़र नेम हमारा जो है यूज़र नेम बन जाएगा, मतलब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक हमारा सेशन बन जाएगा। या तो हम इसे सेशन बना सकते हैं या हम इसे भी सेशन बना सकते हैं, वो हमारे पे है हम किन किन चीज़ों को सेशन बनाना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, तो हमारा एरे होने के बाद हम दिस सेशन यूज़र सेट यूज़र डाटा पे जाएंगे, सेट यूज़र डाटा पे हमारा जो न्यू डाटा था वो हम यहाँ पे जो है पास कर देंगे, हम पैरामीटर पास कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट सेलर डैशबोर्ड। मतलब अभी हम पब्लिक के अंदर, व्यू के अंदर पब्लिक का यूज़ किया था, अभी हम वहाँ पर जो है एक फाइल बनाएंगे, सॉरी एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा सेलर। इसको हम फिनिश कर देंगे, और अब जो है ये हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास सेलर अकाउंट भी आ गया है, तो इसने तो सेलर के अंदर हमें जो है डैशबोर्ड है, तो हम सेलर के अंदर एक डैशबोर्ड का जो है हमें पेज बनाना होगा, जो कि हम आगे बनाएंगे। और यहाँ से हम जो है अपने एडमिन में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम जो है अपने सेलर में कंप्लीट वर्क करेंगे, और रिटर्न हो जाए तो हम अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। एल्स क्या करेगा, एल्स अगर हमारा जो है यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा तो ये हमें मैसेज दे देगा दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा लॉगिन फेल्ड। मतलब यानी यहाँ पे आपका दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो लॉगिन फेल्ड
और एक यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग को पास करवाते हैं, जो हमें स्ट्रिंग देनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड फोन नंबर और पासवर्ड। ये कब होगा? जब हमारा डाटा यहाँ पे रॉन्ग एंटर होगा तो हमें ये पास हो जाएगा और रीडायरेक्ट कर देगा हमें लॉगिन पे, मतलब लॉगिन इन दिस सेंस हमें यहाँ पे इस जो क्लास है हमारी लॉगिन पे, यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। जो लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स पेज पे ही रीडायरेक्ट करता है। अगर हम डायरेक्ट लॉगिन भी दे देते हैं तो भी हमें लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट करेगा, या हम लॉगिन के पास इंडेक्स भी दे देंगे तो भी हमें ये रिडायरेक्ट जो है लॉगिन पे ही करेगा। तो हम जो है इसे लॉगिन पे रखते हैं। और जो हमारा ये एल्स है, ये हमारा था जो फॉर्म वैलिडेशन का, कि अगर फॉर्म वैलिडेशन में हमने कुछ फिलअप ही नहीं किया है तो हमें ये एक जो है एरर आएगी वो हमारे जो है फॉर्म वैलिडेशन की होगी, और जिसका हमने स्टाइल और कलर डाल दिया है और डिव के अंदर, और वापस जो लोड हो जाएगा वो पब्लिक लॉगिन हो जाएगा। मतलब व्यू के अंदर क्या होगा, हमारा पब्लिक लॉगिन पेज पे चला जाएगा। रीडायरेक्ट का मतलब हमारा कंट्रोलर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब हम हमारे लॉगिन के अंदर जो है यहाँ पे हम अपने जो एरर जो हम शो करवानी है, हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे अपना एरर पेस्ट करवा देंगे कि यूज़र नेम में जो भी हमारा अगर पेस्ट नहीं हुआ तो हमारा एरर दे दे। और जिस जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया है और इसका स्टाइल हमने इनर स्टाइल यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे भी एक कर देंगे और यहाँ पे भी हम जो है पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे हमारा लॉगिन को एक्टिव कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक्शन का यूज करेंगे। एक्शन एक्शन के अंदर हम यहाँ पे बेस यूआरएल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था उसमें भी लिंक्स में भी कि आपको बेस यूआरएल का यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बेस यूआरएल का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा लॉगिन अकाउंट है, लॉगिन के अंदर हमें साइन इन करना है। क्या होगा, अब हमारा यहाँ से लॉगिन पे जाएगा कंट्रोलर, मतलब यहाँ से जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन पे जाएगा। लॉगिन के यहाँ पे जाने के बाद ये कॉल होगा, क्लास ये कॉल होगी। अब ये कॉल होने के बाद, लॉगिन के अंदर जाने के बाद, अब वह साइन इन को कॉल करेगा। अब वो यहाँ पे साइन इन को कॉल करेगा, तभी हमने साइन इन लगाया है। अब साइन इन को कॉल करने के बाद वो यहाँ पे डाटा होगा तो हमें डाटा फैच करेगा और सेलर डाटा पे भेज देगा, एल्स हमें क्या करेगा, अगर डाटा प्रॉपर नहीं हुआ तो हमें बता देगा फ़ोन नंबर नोट और पासवर्ड नोट वैलिड, और एल्स के अंदर हमें रीडायरेक्ट करवा देगा। मतलब ये हमें पैरामीटर्स दे देगा कि आपने अभी तक कुछ फिल नहीं किया है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश के बाद हमने यहाँ पर जैसे अपने डाटाबेस के अंदर हमने अटेंड टाइम नाइंस डाला था, 10 times, और हमने पासवर्ड दिया था 12345678910, तो पासवर्ड दिया था। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी एक एरर आ रही है जो है मेरा आईडी भी आ गया, मेरा पासवर्ड भी आ गया, और ठीक है। अभी हमने ये हमारा एरर क्यों आया, क्योंकि अभी तक हमने अपने डेटाबेस में जो है
डाटाबेस को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपको कन्फिग में जाना है, कन्फिग में आपको डाटाबेस में जाना है, डाटाबेस में आपको अपने डाटाबेस का नाम देना है। अपने हमारे डाटाबेस का नाम है ई कॉमर्स। आपको यहाँ पर ई कॉमर्स जो है डाटाबेस का नाम देना है, क्योंकि हमने जो डाटाबेस बनाया है ई कॉमर्स, तो हमें यहाँ पे अपनी डाटाबेस का नेम देना है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया है। और अब हम जो है यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं सेलर डॉट डैशबोर्ड। और जैसे कि मैं इसको एक बार लॉगिन लॉग आउट कर देता हूँ, लॉगिन, जैसे अब ये मेरा ओपन हो गया था। अब इसको मुझे वापस अगर अपने लॉगिन पे जाना हो तो मैं नहीं जा सकता। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं अपने लोकल होस्ट पे तो आ गया हूँ। अब लोकल होस्ट के बाद अगर मैं अपना यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो मैं लॉगिन पे भी आ गया हूँ। और यहाँ पे अदरवाइज क्या होता है कि आप अपने लॉगिन से डायरेक्ट लॉगिन पे नहीं आ जाते, लेकिन इसका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम कैसे अपने लॉगिन पे वापस आ गए। और ये भी हमारा लोकल होस्ट ही होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने लॉगिन पे वापस कैसे आ गए। इसके लिए हमारे पास एक कोड होता है लॉगिन पे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एक कोड हमें यूज करेंगे इंडेक्स पे। इस कोड का मतलब क्या हुआ कि हमने सेशन यूज कर दिया है। अब सेशन के अंदर जब हम अपने सेलर अकाउंट के, जैसे क्या हुआ, अगर हमारा यूजर आईडी, क्योंकि हमारे सेशन है यूज हो चुका है, तो हम अपने, तो हमें वो हर बार जो रीडायरेक्ट करेगा वो हमारे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा। और अगर हमारा लॉग आउट, अभी मैं आपको लॉग आउट का भी दिखा देता हूँ। अगर हम, ये फंक्शन है हमारा लॉग आउट का, यहाँ पे हमने लॉग आउट बना दिया। अगर हमारा जो है यूजर आईडी, यूजर डाटा जो है ऑन है, तो हमारा ये सेलर डैशबोर्ड पर ही रखेगा, अदरवाइज वो हमें लॉगिन पे ले आएगा। लॉग आउट क्या करेगा, लॉग आउट जो हमने क्लास फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर हमने अनसेट कर दिया यूजर डाटा को और यूजर आईडी, क्योंकि जब हम लॉग आउट करेंगे तो हमारा यूजर आईडी अन जो है अन डाटा अन यूजर सेट हो जाएगा, अनसेट यूजर डाटा हो जाएगा, और हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दिस सेशन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और हमारा रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पे। तो अब मैं दोबारा से आपको जो है लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन से पहले, अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है हमारा ये सेट एरर डेलीगेशन डेलीमीटर्स, तो ये कैसे होंगे, हमारे रन्स में हमने फॉर्म वैलिडेशन लगाया था। फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ हमें कहाँ होगा, अगर हमें इस पर क्लिक करता हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लॉगिन में जा करके अपने रिक्वायर्ड को यहाँ पे, अगर मैं रिक्वायर्ड को हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड को मैं हटा देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद अभी ये मेरा ऑटोमेटिकली, जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरा सेलर डैशबोर्ड पर आ गया, क्योंकि मेरा सेशन एक्टिव था। अब मैं इसको अगर अगेन लॉगिन पे, अगर मैं इसको हटा के लॉगिन भी करता हूँ तो ये मेरा सेलर डैशबोर्ड पे ले आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर लॉगिन स्लैश लॉग आउट,
लॉग इन लॉग आउट, ये क्या हो रहा है। लॉग इन मेरा क्लास का नेम था, जैसे कि मेरा ये क्लास का नेम है लॉग इन, और लॉग आउट मेरा इस फंक्शन को कॉल करेगा ये। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा लॉग इन पे आ गया है, यानी कि मेरा जो है अकाउंट लॉग आउट हो गया है। और अब जो है मैंने आपको वो वैलिडेशन के बारे में बता रहा था, तो मेरा वैलिडेशन के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा साइन इन का पेज, ये क्या हुआ कि मेरा एक्चुअली में वर्क हुआ। ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड के पास ये एक्चुअली में वर्क हुआ है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड और फोन द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे आ रही है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा ये वाला पेज यहाँ पे कैसे हो गया, जब मैंने आपको ये कहा था कि हमें हेडर और फुटर के अंदर जो है रीडायरेक्ट करेंगे, तो हमारा जो है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ हेडर और फुटर, पब्लिक के अंदर हेडर, हमने यहाँ पे एसेट्स लगाए थे एसेट्स, तो एसेट्स से जो भी हम लिंक्स होते हैं यहाँ पे भी हम जो है बेस यूआरएल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रीडायरेक्ट में हमें जो है हमारी सीएसएस को सेफ रखते हैं पीएचपी में, तो हम यहाँ पर भी जो है बेस यूआरएल लगाएंगे। ये हम सभी जो है बेस, सभी में ये जो है बेस यूआरएल का यूज़ करेंगे, या फिर आप ऐसे भी करके बेस यूआरएल का यूज कर सकते हैं, आप सभी में बेस यूआरएल आप इसको सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है हमारे बेस यूआरएल के थ्रू आपको जो है पूरा आपको दिख जाएगा। और आपको ये भी जो है बेस यूआरएल के थ्रू ही करना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरे के पूरे पेजेस सभी दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल लगा दिए हैं, और यहाँ पे भी अभी मेरा बेस यूआरएल मैंने नहीं लगाया, लगा दिया है। अब सेम टू सेम मैंने जहाँ पे मेरी इमेजेस थी मैं वहाँ पर भी बेस यूआरएल लगा देता हूँ। एक तो यहाँ पे था, एक यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सब में बेस यूआरएल लगा दिए हैं। तो आपका यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपका लोगो वगैरह सब कुछ शो हो गए बेस यूआरएल की वजह से। अब देखिए आपको यहाँ पे फोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये हमारे यहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ से, क्योंकि हमने फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे दिया था कि हमारा फ़ोन नंबर बता दे और हमारा पासवर्ड बता दे। तो यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे बता दिया है फ़ोन नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ पे लॉगिन का सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हमारी फूटर के अंदर भी हमें अपना जो है बेस यूआरएल का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फूटर के अंदर भी कर देता हूँ फूटर, आप यहाँ पे
यहाँ पे भी मैंने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पे भी मैं इसका बेस यूआरएल का यूज कर देता हूँ। देखिए हमारा पूरा बेस यूआरएल लग गया है, और जैसा कि हम यहाँ पे अपने अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं तो हमारा लॉगिन हो जाता है सेलर और डैशबोर्ड पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे, जिसमें हम अपने जो है डैशबोर्ड पे वर्क करेंगे, और पूरा पहले एडमिन पैनल को हम कंप्लीट करेंगे, और एडमिन पैनल के बाद हम जो है कस्टमर पैनल पे वर्क करेंगे। कस्टमर पैनल पे हम जो है कार्ट वगैरह सिस्टम ये सब लगाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है डैशबोर्ड के बारे में पे वर्क करते हैं। ओके।